हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मुजम्मिल साहब और मैं हूं आपका दोस्त दानिया राजपूत। आप देख रहे हैं हम दमलेन दानिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंच रहे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी दिल्ली वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज लाजमी 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 फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सा कॉन्टेंट ऑन दी वे है। आज हम एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे 10 ऐसी मूवीज जिसमें मतलब एक्शन सीन्स जो होते हैं उनको अप्रिशिएट ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि उसमें एक्शन सीन सीक्वेंस वगैरह बहुत अमेजिंग होते हैं मगर उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि एक्शन फिल्म एक्शन सीन्स की बात नहीं मतलब आई थिंक एक्शन फिल्म की पूरे की बात करेंगे कि मतलब कि ऐसी फिल्म सी जिसको मतलब कि जिस हिसाब से दर्जा मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से वो हिट होनी चाहिए थी उस हिसाब से वो हिट हुई नहीं। ऐसी हम 10 मूवीज आपके पास लेकर आए हैं तो अभी देखते हैं वो कौन सी मूवीज है। तो भाई आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी मूवीज होंगी? तकरीबन हमने अक्सर मूवीज देखी हुई है और वो मूवीज देखी है जो हिट होती रहती हैं। तो यार मैं अगर बात करूं तो ऐसी हम मूवीज कह सकते हैं, सीन्स कह सकते हैं क्योंकि सीन्स फिल्म के अंदर ही होते हैं। तो ऐसी हम 10 मूवीज आपके सामने रखेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो मैं फिल्म में से तकरीबन 5 तो फिल्म देखी होगी क्योंकि मैं फिल्म लाजमी देखता हूँ इंडिया की, खास तौर पर पंजाबी कम देखता हूँ, साउथ इंडियन मूवीज कम देखता हूँ, मगर बॉलीवुड की जो भी मूवी है मतलब अगर छोटे से छोटा एक्टर भी है मैं उसकी भी देखता हूँ क्योंकि मुझे क्योंकि बॉलीवुड में जो एक्टिंग कही जाती है बहुत हाई लेवल के होते हैं, मुझे देखने में पसंद आते हैं तो मजा आता है। इस बारे में अगर दी जाए तो एक्शन सीन्स के पर बेसिस ये मूवी होने वाली क्योंकि मूवीज होती है एक्शन पर या फिर ड्रामा पर, तो एक्शन सीन ज्यादा था क्योंकि एक्शन पर ही फिल्म ज्यादातर चलती है। हाँ, तो वो बताएंगे कि उनको अप्रिशिएट मिला नहीं जैसे उनको मिलना चाहिए था, मतलब उनको सराहना उतना करना चाहिए था मगर उतना किया नहीं, मतलब सराहा नहीं किया उनको इतना कि मतलब ये कह ले कि उतने उनकी हिटिंग नहीं हुई, हिट नहीं हुई वो मूवीज के जिस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे वार मूवी लगा सकते हैं आप, यार वार फिल्म एक उन्होंने पहले ही दिखाया था कि फाइटिंग फिल्म होने वाली है क्योंकि वो नाम से ही है, वो बाकी फिल्म में फाइटिंग होती है मगर शो नहीं आया था कि भाई फाइटिंग फिल्म है, लोग नहीं समझ पाते। तो हम वो 10 फिल्म लेके आए हैं आपके पास, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बातें हो गई, आप चलते हैं अपने वीडियोस की जाना, लेट्स गो। नंबर 10 वजीर। 2016 में रिलीज हुई फिल्म वजीर एक एक्शन थ्रिलर थी जो हमें एटीएस ऑफिसर दानिश की कहानी दिखाती है। वजीर हर टर्म्स में फ्रॉम डायरेक्शन टू स्टोरी टेलिंग एंड ऑब्वियसली इन एक्शन बाकी हिंदी फिल्म से काफी अलग थी। फिल्म का एक्शन बहुत ही रियलिस्टिक रखा गया है जहां यू वोंट सी ओवर द टॉप एक्शन सीन्स लाइक वी सी इन मेनस्ट्रीम फिल्म्स। टीम सोशल का वजीर फिल्म में से फेवरेट एक्शन सीन इज इन द लेट नाइट चेस सीक्वेंस जहां पर फरहान अख्तर का कैरेक्टर इज रनिंग ऑन द रोड। वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज ये एक्शन फिल्म के साथ एक इंटेंस थ्रिलर भी है और इसका सस्पेंस आपका इंटरेस्ट बनाकर रखता है। लोकल पुलिस, आर्मी और उसकी खुद की सिक्योरिटी, सुसाइड मिशन। मुझे वजीर चाहिए। नंबर 9, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज इन आवर ओपिनियन इज एन अंडररेटेड फिल्म जिसके बारे में सबको पता, ये मैंने मूवी देखी है, पता तो है पर बहुत ये नहीं देख पाते कि इसका एक्शन कितना अलग है। विद्युत जामवाल जैसे एक्शन हीरो के होते हुए भी दिस फिल्म डजंट शो हिम डूइंग द यूजुअल एक्शन बल्कि वी सी हिम जस्ट रिएक्टिंग टू सिचुएशंस। इन आवर ओपिनियन विद्युत रियली ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस वन व्हिच वर्क्ड फॉर अस। डिड इट वर्क फॉर यू? लेट अस नो इन द कमेंट्स। मुझे मेरी नरगिस चाहिए बस। नंबर 8, एजेंट विनोद। एजेंट विनोद डायरेक्टर श्रीराम राघवन की अब तक की मोस्ट एम्बिशियस फिल्म थी। फिल्म हमें एक रॉ एजेंट विनोद की कहानी दिखाती है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एजेंट विनोद। फिल्म नो डाउट काफी एंटरटेनिंग है पर जब रिलीज हुई थी तो उसे लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। वी अग्री एजेंट विनोद वॉज नॉट एनी रेगुलर हिंदी स्पाई फिल्म। फिल्म में जेम्स बॉन्ड और ओल्ड हिंदी मूवीज के रेफरेंसेज होने की वजह से फिल्म की टोन काफी ओवर ड्रामेटिक हो गई थी, शायद इसीलिए लोग फिल्म को समझ नहीं पाए। अगर हम फिल्म के एक्शन की बात करें तो वो भी काफी यूनिक था। फिल्म में वैसे तो कई लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स हैं, लेकिन एक सीन जो टोटली स्टैंड आउट करता है इज ड्यूरिंग द राबता सॉन्ग। इस सीन में हम सैफ और करीना के कैरेक्टर्स को होटल से एस्केप करते हुए देखते हैं। ये पूरा सीन वन टेक में शूट किया गया था एंड लुक हाउ ग्रेसफुली द एक्शन इज शॉट। वी हाईली रिकमेंड दैट एवरी सिनेफाइल शुड वॉच एजेंट विनोद एटलीस्ट वंस। शराबी है, लॉन्डीबाज है,
एक गंदी आदत और है, ईमानदार है। नंबर 7, अ जेंटलमैन। अ जेंटलमैन एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे ये भी मैंने देखी है मूवी। द मेकर्स राज और डीके ने डायरेक्ट। मैंने अभी तक जितनी मूवीज गई है ना कोई भी नहीं देखी। भाई इंटरेस्ट होना चाहिए ना, मेरे को इंटरेस्ट है, मैं देखता हूं मूवीज। ये देखता तो मैं भी हूं लेकिन ए जेंटलमैन पता नहीं किस तरह रह गई। पता पुरानी है, 2016 की बात कर रहे हैं एक मूवी की जो स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही था यार, किया था। After seeing the family man, we all know that Raj and DK have such a strong hold over the action, and they prove this with this film as well. A Gentleman में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में दिखाई देते हैं और उनका कैरेक्टर फिल्म में काफी मिस्टीरियस है। जब भी हम फिल्म देखते हैं, we can totally see कि मेकर्स ने फिल्म के एक्शन के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की है और शायद जिसकी वजह से ये फिल्म लोगों को उतनी पसंद नहीं आई। Yes? You Rishi? Sorry, Rishi kaun? We feel A Gentleman is an amazing action film that didn't deserve to be a flop at the box office. अगर ये फ्लॉप हुई है मगर मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही कमाल। हाँ, जिस तरह की एक्टिंग दिखाई है, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक्शन सीन बहुत कमाल थे, मूवीज का जो था मतलब ड्रामा था पूरा बहुत ही कमाल का था यार। हाँ, जो भी पीछे मूवीज गई है ना, उनके जो भी सीन इस वीडियो में दिखाए, कमाल के सीन दिखाए हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये फ्लॉप किस तरह हो रही है। झंड मेरी लाइफ पे। नंबर 6, डी-डे। डीडे को हम हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट मिशन बेस्ड फिल्म्स में से एक कह सकते हैं। फिल्म की स्टोरी एक इंटेलिजेंस टीम के मिशन के बारे में है जहां उनको एक अंडरवर्ल्ड डॉन को पाकिस्तान से अरेस्ट करके इंडिया लाना है। डीडे विदाउट एनी डाउट एक ऐसी फिल्म थी जिसका एक्शन वाज टोटली यूनिक। वैसे तो फिल्म में कई अमेजिंग एक्शन सीन्स हैं, पर अगर हमें किसी एक की बात करनी हो तो इट वुड बी द ओपनिंग सीन ऑफ द फिल्म जहां पर पूरा एक्शन इज सेट इन द पार्किंग ऑफ अ होटल। Arjun Rampal looked really dope in his character, and on the other hand, Irfan again gave us a realistic performance. Ye film teen social ki favorites mein se ek hai, and we feel this is how mainstream mission-based films should be like. Ji, mera khwab hai ki usko zinda is pul se kheench ke leke jaun aur Hindustan ke hawale karun. Number 5, Bhavesh Joshi, superhero. भावेश जोशी हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है। ये एक ऐसी फिल्म है दैट वाज ट्रूली वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड ओवर द इयर्स पीपल विल रियलाइज दैट हाउ गुड इट वाज। ये एक सुपरहीरो फिल्म थी जहां पर वी गेट टू सी अ सुपरहीरो कॉल्ड भावेश जोशी जो सोसाइटी के करप्ट लोगों को पनिश करता है। बीइंग अ सुपरहीरो फिल्म, इसका एक्शन बहुत ही रियलिस्टिक रखा गया था। हमें फिल्म में कई अमेजिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, बट द वन दैट स्टेज विद यू लॉन्ग आफ्टर वॉचिंग द फिल्म इज द बाइक चेस सीक्वेंस। ये सीन नो डाउट फिल्म के बेस्ट सीन्स में से एक है एंड ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसको आप जितनी बार देखो यू कैन फील द टेंशन। दिस वाज ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट बाइक चेस सीक्वेंसेस एवर शोन इन हिंदी सिनेमा। हीरो पैदा नहीं होता, बनता है। ओ, सही है। नंबर 4, रॉकी हैंडसम। अगर फोर्स ये भी मैंने देखी हुई है, बहुत कमाल की मूवी है यार ये भी, जॉन अब्राहम की वो फिल्म थी जिसने जॉन को एक एक्शन हीरो बनाया था। देन वी कैन सी दैट रॉकी हैंडसम वो फिल्म है जिससे जॉन ने प्रूव कर दिया दैट ही इज अ वर्सेटाइल एक्शन हीरो। 2016 में रिलीज हुई रॉकी हैंडसम वैसे तो एक रीमेक थी, लेकिन फिल्म का एक्शन वॉज वेरी ओरिजिनल एंड समथिंग जो हमने बॉलीवुड में बहुत कम ही देखा है। रॉकी हैंडसम हमें एक एक्स रॉ ऑफिसर की कहानी बताती है जो एक छोटी बच्ची के किडनैपर्स को ढूंढ रहा है। फिल्म में हमें हर तरह के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। स्पेशली चेक आउट द नाइफ सीन जो बहुत ही अमेजिंगली कोरियोग्राफ किया गया है। वी रियली मिस दिस जॉन देन द जॉन वी सी इन सत्यमेव जयते। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला आज मरता है, सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों। नंबर 3, कमांडो 3। कमांडो फ्रेंचाइज ने अनडाउटेडली बॉलीवुड के एक्शन स्टैंडर्ड्स को काफी आगे बढ़ाया है। फ्रेंचाइज के फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने हमारे एक्शन हीरो विद्युत जामवाल को कई डेडली स्टंट्स और कॉम्बैट सीक्वेंसेस करते देखा था। कमांडो 1 और 2 के स्टैंडर्ड्स देखने के बाद हमें ऐसा लगा था कि अब हम इससे ऊपर क्या ही देख पाएंगे, बट देन विद्युत ने हम सबको शॉक कर दिया विद व्हाट ही डिड इन कमांडो 3।
कमांडो 3 का एक्शन तीनों फिल्म्स में से सबसे बेस्ट और एंटरटेनिंग है. वी बिलीव दैट विद्युत एक्शन इज सो अंडररेटेड कंपेयर टू व्हाट अदर एक्टर्स डू इन बॉलीवुड. विद्युत की जगह अगर कोई और ऐसा एक्शन कर रहा होता देन पीआर एजेंसीज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स सालों तक इसकी बातें करते. बट सिंस इट्स विद्युत वी हैव ऑलवेज सीन दैट ही डजंट गेट द सेम लाइमलाइट फ्रॉम मीडिया लाइक अदर स्टार्स. इसलिए वी फील उनकी हर एक एक्शन फिल्म में स्टोरी कैसी भी हो पर उनका एक्शन बहुत ही ब्रिलियंट होता है. कमांडो 3 इन आवर ओपिनियन हैड द बेस्ट स्टोरी लाइन एंड एक्शन अमंगस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सीरीज. ऑल्सो अ स्पेशल मेंशन टू गुलशन देवैया'स नेगेटिव रोल. There will be a civil war. मैं रहूं या ना रहूं. नंबर 2, फोर्स 2. ये भी देखी है मैंने यार. कौन सी? ये वही फिल्म था जो मैंने देखी है. पर ये फ्लॉप हुई है मेरे ये आज पता चल रहा है यार. फ्लॉप नहीं, आई थिंक एवरेज लगा ले गई है मगर हां एवरेज गई है उस हिसाब से नहीं गई जिस हिसाब से जाना चाहिए था. मगर वो डेफिनेटली यार फ्लॉप हुई है. आज फ्लॉप हुई है, बाकी सारी एवरेज गई है. मतलब उतना उन्होंने कमाया इतनी अच्छी एक्टिंग एक्शन कमाल है यार. तो मतलब समझ से बाहर है कि क्यों नहीं अच्छी रैंकिंग इनकी गई यार. We all can say that it was the film Force जिसने बॉलीवुड में एक्शन मूवीज को रिवाइव किया था. फोर्स 1 में जॉन के कैरेक्टर एसीपी यशवर्धन सिंह को ऑडियंस ने एक लोकल ड्रग माफिया से लड़ते हुए देखा था. बट इन द सेकंड पार्ट वी सी हिम वर्किंग विद रॉ टू सॉल्व अ मिस्ट्री. इन आवर ओपिनियन फोर्स 2 का एक्शन नो डाउट फोर्स 1 से काफी अलग था एंड इट हैड मोर रिस्क टेकिंग एक्शन सीन्स. यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन सेट पीसेस देखने को मिले थे जैसे कि द कार चेज, रूफटॉप चेजेस एंड ऑफ कोर्स जॉन के फेमस हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस. फोर्स हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्शन फ्रेंचाइज में से एक है एंड इफ देयर आर एनी फैंस ऑफ फोर्स वॉचिंग दिस वीडियो देन डू ड्रॉप अ कमेंट. नंबर 1, मर्द को दर्द नहीं होता. मर्द को दर्द नहीं होता एक बड़ी ही अनयूजुअल एक्शन फिल्म थी. फिल्म हमें सूर्या नाम के एक यंगस्टर की कहानी बताती है जिसको एक डिसऑर्डर की वजह से अपनी बॉडी में जरा सा भी पेन नहीं फील होता. द स्टोरी फॉलोज अ जर्नी टू लर्न MMA एंड बिकम अ फाइटर. फिल्म की स्टोरी की तरह फिल्म का एक्शन काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. फिल्म की सबसे यूनिक बात ये थी कि इसके सभी एक्शन सीन्स पुरानी हिंदी एक्शन फिल्म्स को एक ट्रिब्यूट थे. चाहे वो सूर्या का स्लो मोशन में लोगों को मारना हो या फिर क्लाइमैक्स का एक्शन जो बारिश में शूट किया गया है. ये सभी एक्शन सीन्स हमें दिखाते हैं कि हमें हॉलीवुड का एक्शन फॉलो करने की बजाय अपना ही एक्शन ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी डू इट द इंडियन वे. ऑल्सो अ ट्रिविया फॉर द फैंस, फिल्म के लिए स्पेशली लीड एक्टर्स ने 8 months तक MMA की ट्रेनिंग ली थी और सभी ने अपने स्टंट्स खुद ही परफॉर्म किए थे. पानी पीते रहना चाहिए. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताइए कि इन सब वीडियो खत्म हो चुकी है. वैसे अगर बात की जाए तो आप लास्ट में बताया आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है तो और कौन सी आपने देखी है और कौन सी नहीं. उनमें से आप कौन सी मूवी देखेंगे जो ये 10 मूवीज हमने बताई हैं. भाई मैंने गार्बन 1-2 मूवी देखी है, बाकी मैंने नहीं देखी. मैंने तकरीबन मैंने आपको बोला था मैंने आधी देखी हुई. आधी से ज्यादा लगा ले मैंने देखी है. 3-4 छुट्टियां जो मैंने नहीं देखी तो आई थिंक वो भी मैं देख लूंगा क्योंकि जिस तरह को ये चीज सामने लेकर आए ना. मतलब फ्लॉप कह ले या नॉन एवरेज कह ले, मतलब उस एवरेज के हिसाब से नहीं गई मूवी जिस हिसाब से जाना चाहिए था. मैं सबसे पहले जो फिल्म देखने वाला हूँ वो देखने वाला हूँ वजीर देखने वाला हूँ क्योंकि फरहान अख्तर जो है ना वो मुझे बहुत ही कमाल के एक्टर लग रहा है. मुझे जो मतलब के ऐसी मूवी जो लग रही मैं देखूंगा सबसे पहले मर्द को दर्द नहीं होता. मतलब ये थोड़ा सा फनी टाइप सी मेरे को लग रही है एक्टिंग के वाले से. एक्शन सीन भी है उसमें तो मतलब मैं पहले ये देखूंगा. मैं उल्टी स्टार्ट करूंगा. उल्टी स्टार्ट करोगे मगर मैं एक चीज बताने वाला हूँ. बहुत ही कमाल की सब मूवीज हैं तकरीबन मैं जो देखी है ना मैं उनका बता सकता हूँ कि बहुत ही एक्शन कमाल का आप देख सकते हैं जाकर. यार यार आप भी देखिएगा, हमने भी तो देखनी है. वो मजा है यार ये जो मेरे को मालूम मिलेगा मेरे को. मैं तो हैरान हो गया ये तो एवरेज में जा रहे है फ्लॉप में जा रही है तो ये उम्मीद नहीं है क्योंकि एक्शन सीन्स और स्टोरी लाइन तो बहुत ही कमाल की थी यार इन सब की. हाँ वाकई में यार इनकी मतलब के स्टोरी लाइन भी जो भी है वो अच्छा दिखाया है इसमें सीन्स में. तो ऐसी मजीद वीडियोस पर हमारा रिएक्शन देखने के लिए सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे. अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आप इजीली वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं. सो प्लीज लाजमी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन द वे है. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.
Yeah.